उधर जौनपुर में बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। बीजेपी विधायक ने इस दौरान कहा कि मोदी जी ने काफी काम किया है और जनता उनके काम से खुश है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर के बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा जी, जो कि जौनपुर में होने वाले छठवां चरण को मतदान के दिन मतदान देकर निकल आइए, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताएं इस बार क्या मुद्दा पे लोग वोट कर रहे हैं? जहां तक मैं समझता हूं, पूरा देश की 130 करोड़ की जनता, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, गरीबों का विकास कैसा हो, किसानों का भला कैसा हो, किसानों की आय कैसे दुगनी हो, देश की रक्षा कैसी हो, देश की सुरक्षा कैसी हो, मैं समझता हूं कि आम वोटर इस विकास के मुद्दे पर वोट दे रहा है। और जहां तक मेरा मानना है कि आज 130 करोड़ की जनता मोदी जी के कार्यों से बहुत प्रसन्न है और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर रहे हैं। सर, 2019 के चुनाव में कठिन काफ़ी है, महागठबंधन टक्कर दे रही बीजेपी, कांग्रेस भी है, क्या लग रहा है? देखिए, महागठबंधन कुछ चंद जाति की बात करने वाले, ये सब सिर्फ जात की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र का नवनिर्माण की बात करते हैं। आम गरीब मजलूम जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो दलित मजलूम तक कैसे पहुँचे, हम उसकी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, इनका साफ तौर कहना, इन्होंने गठबंधन पर जो है प्रहार किया और इनका कहना है इस बार भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है दोबारा केंद्र में आएगी। जौनपुर से वेकमार्क, इंडिया वॉइस।